एवरीवन, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टीनेजर नवरात्रि मेकअप लुक। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा मेकअप लुक है। सबसे पहले मैं अपने हेयर्स पर लगा रही हूँ क्लिप और मैं अपने हेयर्स को टाई कर लूँगी। बस थोड़ा सा पीछे से ओपन कर रहे थे। सबसे पहले हम अपने फेस को प्रेप करेंगे मेकअप के लिए, तो मैंने मामा अर्थ का टोनर लिया हुआ है और मैं इसे डैप 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 करके ही अपने फेस पर लगाऊंगी और इसको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और इसके बाद हम लगाएंगे फेशियल ऑयल, तो मैं पर्पल का लगा रही हूँ। आप किसी और ब्रांड का लगा सकते हैं, ये थोड़ा सा गिर गया था, हो जाता है थोड़ा बहुत। तो बस अच्छे से फेस में मसाज दे देंगे। आप मसाज अच्छे से देना, इससे ना आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ स्पीड में होता है और उससे हमारे फेस में एक नेचुरल सा ग्लो आता है। तो मसाज देनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइजिंग क्रीम, तो मैं अपनी जो फेवरेट है मेरी वही लगा रही हूँ। आपकी जो फेवरेट हो, आपकी स्किन को सूट करती हो, आप वो लगाइए और अच्छे से पूरे फेस में, नेक एरिया में मसाज दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा लुक है, आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा ना इल्यूमिनेटर लगा रही हूँ। ये है आइकॉनिक का, आप स्विस ब्यूटी का भी लगा सकते हैं, और भी ब्रांड्स के आते हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो बस मैं इसे वहाँ वहाँ लगाऊंगी जहाँ मुझे अपना फेस को हाईलाइट करना है। आज मैं लैक्मे का सीसी क्रीम लगा रही हूँ बिकॉज सिंपल सा मेकअप लुक करना है, ज़्यादा हैवी कुछ नहीं करना है। तो बस उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी डैप 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 करके और मेरा फेस रेडी है। अब मैं लगा लूँगी कंसीलर, जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है वहाँ वहाँ मैंने कंसीलर लगा लिया। बहुत कम क्वांटिटी में मैंने आज लगाया है बिकॉज मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, सिंपल सा चाहिए था। अगर आपको स्किप करना हो कोई पार्ट तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने बहुत ही कम कम प्रोडक्ट लगाया है क्योंकि नेचुरल सा मुझे लुक रखना था। ये मैं लगा रही हूँ लैक्मे का कॉम्पैक्ट, आपके पास जो हो आप वो लगाइए और बस डैप 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 करके मैं अपने मेकअप को फिक्स कर लूँगी। आज मैंने कॉन्टोरिंग नहीं करी है, आज मैंने डायरेक्ट ब्लश अप्लाई करा है क्योंकि कॉन्टोरिंग कभी कभी स्किप कर देनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ब्लश लगाने से ना वो कॉन्टोर खुद हो गया है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक क्रिएट हो गया है। अब मैं लगाऊंगी हाइलाइटर और ये मेबलिन का हाइलाइटर है और मैं काफ़ी कम लगाऊंगी आज हाइलाइटर। आज मैं इसलिए पहले हाइलाइटर लगा रही हूँ, मुझे चाहिए था थोड़ा सा सटल डाउन हो जाए, तो मैंने कम हाइलाइटर यूज करा है, बट हाइलाइटर मैंने यूज करा है। और आजकल मैं बेस मेकअप पहले करने लगी हूँ, आई मेकअप लास्ट में करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं कम्फर्ट जोन से ना बाहर निकलना चाहती हूँ। तो अब मैं आईब्रोज फिल कर रही हूँ, पहले मैं सबसे पहले आई मेकअप करती थी क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैश हो जाएगा, बट नहीं, अब मैं बेस मेकअप पहले करती हूँ उसके बाद आई मेकअप। जब कभी हैवी होगा तो आई मेकअप पहले कर लूंगी, अदरवाइज अब से मैं बेस मेकअप पहले करने वाली हूँ क्योंकि जब मैं क्लासेस ले रही हूँ ना तो वहाँ हमें यही बोल रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तो बस अब मैंने क्या करा है, मैंने जो शुगर का ब्लश लगाया था ना उसी से मैं अपनी आईलिड में कलर प्लेस कर रही हूँ। बहुत ही लाइट शेड मैंने प्लेस करा है, ज़्यादा मैंने डार्क नहीं किया था। और इसके बाद मैंने मेबलिन की पैलेट ली थी और इससे ब्लैक कलर पिक करा था और अपनी लिड मैंने इसको प्लेस कर दिया था और इतना मस्त है ना, बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं हुआ था। तो मैं जब तक मतलब मेरे मन का कलर नहीं आया मैं तब तक इसे प्लेस करती रही। उसके बाद मैंने एक फ्लफी सा ब्रश लिया और उसको ब्लेंड करना शुरू करा, जो आउटर वी होता है ना वहाँ से मैं ब्लेंड करते हुए इनर कॉर्नर तक लेकर गई थी और बस इसको ब्लेंड करते रहे। तो काफ़ी ना मतलब स्मोकी आई टाइप लुक आ गया था और इतना ब्लेंडेड लुक आया था ना, सीरियसली मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार सोच रही थी इसमें थोड़ा सा ग्लिटर टाइप का लगाऊं, बट फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ छेड़ाखानी करने का। इसके बाद मैंने काजल लगा लिया था अपनी वाटर लाइन पर और इसके बाद मैं वही ब्लैक कलर ले रही हूँ अपनी आईज़ के जो लोअर लैश लाइन होती है ना वहाँ पर लगाने के लिए। और इसके बाद फिर मैं वही ब्लश का कलर लूँगी और उसको भी वैसे ही प्लेस करूँगी। तो उससे क्या होता है, मिक्स मैच होके ना आईज़ इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है ना, मतलब मुझे मेरा ये लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। आप लोग मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा। अब मैं अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ और फिर इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करना है मुझे और थोड़ा सा मैं अभी और कर रही हूँ फेस को हाईलाइट क्योंकि वो एकदम सटल डाउन हो गया था, वो दिख भी नहीं रहा था कि मैंने हाईलाइटर कुछ लगाया। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया हाईलाइटर है, अगर आपने नहीं ट्राई करा ना ज़रूर ट्राई करो। तो बस अब मैं लगा रही हूँ आईज़ के इनर कॉर्नर में हाइलाइटर और बस इससे मेरी क्या होगा, आईज़ बड़ी बड़ी दिखेंगी, आप भी लगा सकते हैं। और अब लिप बाम की बारी है, ये गुड वाइब का स्ट्रॉबेरी लिप बाम है और इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा मस्त है ना, मतलब मुझे मन करता है खा जाऊँ मैं इसे ही। अब मैं ये पर्पल का मस्कारा लगा रही हूँ और पहले मैंने आईलेसेस कर्ल करी, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद मैं मस्कारा लगा लूँगी जिग जैग मोशन में ताकि आईलेसेस थोड़ी थोड़ी बिग लगें और लोअर
लोअर लैशेस में भी आप मस्कारा लगा लीजिए ताकि आपकी आईज सेम सेम लगेंगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, लिप बाम को क्लीन कर रही हूँ। मेरे लिप्स मॉइस्चराइज कर दिए हैं लिप बाम ने, जो एक्स्ट्रा लिप बाम होगा उसको मैं रिमूव कर रही हूँ ताकि मैं लिपस्टिक अप्लाई कर सकूँ। सबसे पहले मैं मेकअप को फिक्स कर लूँगी और फिर उसको डैप 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 करके ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मेकअप फिक्सर को सेट कर लूँगी। अब लगाते हैं लिपस्टिक। ये थी पर्पल की लिपस्टिक और उसका शेड इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था। थोड़ा सा कैमरे में ना शेड हमेशा चेंज सा लगता है, बट उसका शेड लिटरली बहुत ही अच्छा था। तो बस मैं अपने लिप्स में लिपस्टिक लगा लूँगी और मेरी लिपस्टिक डन हो चुकी है और आप देख सकते हैं अब फाइनल लुक। फेस्टिवल एक बिंदी लगानी तो बनती है, चलो फटाफट सब कपड़ों को चेंज कर लेते हैं और ये रहा मेरा फाइनल लुक। अच्छा, ईयर रिंग तो पहन लें। तो गाइज ये रहा मेरा फाइनल लुक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए और अगर आप ये लुक ट्राई करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।